हेलो एवरीवन, वेल्कम टू हीरल्स होमस्पन टेल्स। आज हम बनाएंगे समर सैलेड विथ एंड विदाउट सैलेड ड्रेसिंग। तो इसे बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। तो हम दो तरीके के सैलेड बना रहे हैं, तो मैं आधी क्वांटिटी का स्वीट कॉर्न ले रही हूँ और इसी तरह से हम बाकी सब्जियाँ भी आधी क्वांटिटी का लेंगे, जिसमें है कटा हुआ प्याज, कटी हुई गाजर। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर, साथ ही हम लेंगे कटा हुआ कैप्सिकम। अब कैप्सिकम के साथ रेड और येलो बेल पेपर्स भी ले सकते हैं, और ये है कच्चा आम कटा हुआ, कटी हुई ककड़ी, क्यूकम्बर, और इन सभी वेजिटेबल्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ा कटा हुआ धनिया, इससे एक फ्रेश टेस्ट आता है सैलेड में। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट पेपर पाउडर, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं वाइट की जगह पे, और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, और ये है पुदीना पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना के पत्ते हो तो आप उसे ऐड कर दीजिए। और लास्टली इसमें हम स्क्वीज़ करेंगे आधे नींबू का रस। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सैलेड को आप चिल्ड या फिर एट रूम टेम्परेचर भी सर्व कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा समर सैलेड विदाउट सैलेड ड्रेसिंग। ये सिंपल सा सैलेड बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी लगता है। अब सैलेड ड्रेसिंग के साथ बनाने के लिए हम एक बोल में लेंगे सारे वेजिटेबल्स। तो मैंने गाजर ली है, प्याज, ये है बॉइल्ड कॉर्न, कटी हुई ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम, कच्चा आम रॉ मैंगो, और कटी हुई ग्रीन चिली हरी मिर्च। तो इन वेजिटेबल्स को हम साइड में रख देंगे और एक ब्लेंडर जार में हम सैलेड ड्रेसिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे धनिया के कुछ पत्ते, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबलस्पून दही। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक, पुदीना पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, और आधे नींबू का रस इसमें हम स्क्वीज़ कर देंगे, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा सैलेड ड्रेसिंग जो है वो रेडी हो गया है। इसे हम वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा सा पहले पोर करेंगे, एक बार इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। तो दही जो है मैंने चिल्ड कर्ड यूज़ किया है, ठंडा दही यूज़ किया है। बाकी का ड्रेसिंग भी मैंने सैलेड पर पोर कर दिया है। तो इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो ये सैलेड प्रेफरेबली चिल्ड ही अच्छा लगता है, और ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। तो इसे हम सर्व कर देते हैं। तो रेडी है हमारा समर सैलेड विथ सैलेड ड्रेसिंग एंड विदाउट सैलेड ड्रेसिंग। अगर आप सैलेड ड्रेसिंग थिक प्रिफर करते हैं, अगर आप वेजिटेबल्स पर एक थिक कोटिंग चाहते हैं, तो आप ऑर्डिनरी दही की जगह पर आप टंगा हुआ दही भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो थिक योगर्ट रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।